हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम गेट 2017 से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इफ एक्स टी एंड वाई टी आर द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वाई एंड डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एक्स विद द इनिशियल कंडीशंस X0 equal to 1 and y टू equal एंड वाई then x pi by 2 plus y pi by टू equals तो हमें यहाँ पे x pi by टू plus y pi by टू की वैल्यू बतानी है देखिए सॉल्यूशन. देखिए हमारे पास इक्वेशन दी हुई है dx upon dt equal to y and dy एंड dt equal to minus x तो अगर हम यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन को के चलें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है dx upon dt equal to y इस इक्वेशन का हम क्या करते हैं टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी ठीक है हमने क्या किया इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई अब देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हम इस सेकेंड वाली इक्वेशन से रख देते हैं डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस एक्स तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस एक्स तो इक्वेशन बन गई डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स या फिर लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस वन एक्स इक्वल टू जीरो जहाँ पे डी की वैल्यू क्या है डी अपॉन डी टी

तो एक्स जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा सी वन और एक्स जीरो की वैल्यू वन तो इसका मतलब सी वन इक्वल टू वन तो हमें यहाँ पे सी वन की वैल्यू मिल गई सी वन इक्वल टू वन अब देखिए जो हमें एक्स टी मिला इसका क्या करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा को स्टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन टी एंड साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस टी तो डीएक्स अपॉन डिटी हमारे पास आ जाएगा माइनस सी वन साइन टी प्लस सी टू को सी और इक्वेशन फर्स्ट से डीएक्स अपॉन डिटी की वैल्यू वाई के इक्वल है यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं डी एक्स अपिटी इक्वल टू वाई तो ये यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास क्या आ गया वाई टी की वैल्यू आ गई वाई टी इक्वल टू माइनस सी वन साइन टी प्लस सी टू कोस टी अब जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन दी हुई है वाई जीरो इक्वल टू वन इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पे टी की जगह जीरो रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा वाई जीरो इक्वल टू सी टू एंड हमें क्या दिया हुआ वाई जीरो इक्वल टू वन देन यहाँ से हमें मिल गया सी टू इक्वल टू वन तो हमारे पास सी वन और सी टू की वैल्यू आ गई ये सी वन और सी टू की वैल्यू एक्स टी

तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे कोस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू एंड यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन पाई बाई टू प्लस कोस पाई बाई टू यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए गें। एंड कोस पाई बाई टू प्लस कोस पाई बाई टू ये आ जाएगा टू कोस पाई बाई टू कोस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो और हमसे यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में एक्स पाई बाई टू प्लस वाई पाई बाई टू इक्वल्स तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ वाई इक्वल टू 3e e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x minus alpha x is the solution of the initial value problem d2y upon dx square plus beta y equal to 4 alpha x. In conditions, the of y0 equal to 4 and dy upon dx at 0 equal to 1, where alpha beta belongs to R. Then option first alpha equal to 3, beta equal to 4. Second alpha equal to 1, beta equal to 2. Third alpha equal to 3, beta equal to minus 4. एंड फोर्थ अल्फा इक्वल टू वन बीटा इक्वल टू माइनस टू तो हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है देखिए सॉल्यूशन देखिए पहले हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हमें जो यहाँ पे सॉल्यूशन वाई दिया हुआ है वाई इक्वल टू थ्री ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स माइनस एल्फा एक्स तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस वाई का डिफेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा यहाँ पे ई e की पावर टू एक्स इसका डिफेंशिएशन हो जाएगा टू ई e की पावर टू एक्स एंड थ्री पहले से मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगी वैल्यू सिक्स ई रेस टू पावर टू एक्स फिर यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टू ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स का माइनस अल्फ़ा तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई एंड हमारे पास कंडीशन दी हुई है डी वाई अपॉन डी एक्स एट जीरो इक्वल टू वन तो वो अप्लाई करेंगे देन इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास सिक्स माइनस टू माइनस अल्फ़ा इक्वल टू वन तो यहाँ से सॉल्व होके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई थ्री अब देखिए जो भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें अल्फ़ा की वैल्यू जहाँ भी थ्री नहीं है वो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गई तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड डी तो इनकरेक्ट हो गई अब ऑप्शन ए और सी में से बताना है हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसके लिए हम बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं इसका वापस से डिफेंशिएशन कर देते हैं हमने यहाँ पे जो डी वाई अपन डी एक्स फाइन किया था इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफेंशिएशन कर देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ट्वेल्व ईर पावर टू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा फोर ई टू पावर माइनस टू एक्स एल्फा कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो अब यहाँ पे फोर कॉमन ले, ले लेते हैं तो ये आ जाएगा थ्री ई टू पावर टू एक्स प्लस ई टू पावर माइनस टू एक्स और ये किसकी वैल्यू है देखिए फर्स्ट इक्वेशन से थ्री ई टू पावर टू एक्स प्लस ई टू पावर माइनस टू एक्स इस इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं वाई प्लस एल्फा एक्स तो ये यह यहाँ पे हम रख देंगे इस इक्वेशन में तो फोर इंटू वाई प्लस एल्फा एक्स या फिर इसे लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर एल्फा एक्स और हमारे पास क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई इक्वल टू फोर एल्फा एक्स तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस फोर की वैल्यू आ गई माइनस फोर देन ऑप्शन देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ एल्फा इक्वल टू थ्री एंड बीटा इक्वल टू फोर ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बीटा की वैल्यू हमारे पास आइए माइनस फोर तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एल्फा इक्वल टू तो थ्री एंड बीटा इक्वल टू तो माइनस फोर एंड बाकी के तीनों इन करेक्ट हो जाएंगे